आसिफ जरदारी को भी बिलाखिर जमानत पर रिहाई मिल गई। साबिक सदर को रात जरदारी हाउस में आराम के बाद जुमे को चार्टर्ड तैयारी के जरिए कराची मुंतकिल किया जाएगा। आसिफ जरदारी की जमानतें मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पार्कलेन केस में मंजूर की गई। मनी लॉन्ड्रिंग और पाक लेन केसेस में आसिफ जरदारी की दो अलग अलग रूपकारें जारी की गईं। जमानती मुचलके जमा करवाने के बाद साबिक सदर की रिहाई के लिए रूपकारें सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को भिजवाई गईं। पुराने समात एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने जामिनों से इस्तफसार किया कि आपको मालूम है ना कि आप किसके जामिन बन रहे हैं, जिस पर जामिनों ने जवाब दिया कि हमें मालूम है तौकीर खान और रब नवाज साबिक सदर के जामिन बने। जरा के मुताबिक शहर कायद में आसिफ जरदारी के इलाज के लिए खसूसी स्टाफ को भी मुकर्रर कर दिया गया है। साबिक सदर के टेस्ट के बाद मुआलजीन का तायुन किया जाएगा। कराची में साबिक सदर के मुख्तलिफ टेस्ट होंगे। आसिफ जरदारी को कमर और रीढ़ की हड्डी में दर्द की शिकायत है, जबकि उनके दिल में 3 स्टंट्स हैं, जिसकी वजह से एंजियोप्लास्टी का भी इम्कान है। साबिक सदर आसिफ जरदारी मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लेन रेफरेंसेस में 6 माह और 2 दिन जेर हिरासत रहे हैं। दौरान इलाज बेम्स को सब जेल करार दिया गया था, जहाँ उन्हें रिहाई मिली है।